सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक प्राइटी कम सेलर। तो आज हम जानेंगे कि मीशो पे हम अपने मीशो के प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्जेस कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं मीशो पे कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मीशो शॉपिंग ऐप, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में बिकते हैं और उनके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगे रहते हैं। तो हम उस तरीके के शिपिंग चार्जेस कैसे ऐड कर सकें ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है कम प्राइस में शो हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। तो जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये 154 रुपये में फ्री डिलीवरी दी गई है। तो यहाँ फ्री डिलीवरी के नीचे यहाँ पर ही आप देखोगे तो यहाँ पर जो है शिपिंग चार्जेस ऐड रहते हैं। हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेते हैं इस वाले को, कि ये 173 में हमें बिक रहा है और इसका जो 73 शिपिंग चार्जेस है वो 100 रुपये इसकी प्राइस है। क्या होगा अगर इस पर 100 रुपये प्राइस शो हो और नीचे शिपिंग चार्जेस 70 रुपीज़ शो हो, तो ये ज़्यादा बिकेगा। प्लस इसके अंदर डेली डील्स 999 रुपीज़ वाली डेली डील्स में इसको जाने का चांस मिल सकता है और इसका और ज़्यादा सेल बूस्ट हो सकती है। तो जैसे आपने देखा होगा 9 रुपीज़ डील और 49 रुपीज़ डील, 99 रुपीज़ वाली डील जो चलती है उसमें ये आ सकता है अगर इसका प्राइस कम हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे वर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ला सकते हैं और उसी प्राइस में सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शिपिंग चार्जेस उसमें ऑलरेडी नीचे हमने ऐड करके रखा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमारे आते हैं हमारी इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे आने के बाद हम चले जाते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट पे। तो ये हमारी खुल गई है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे आने के बाद आपको कौन से प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है या जो सा प्रोडक्ट आप डालना चाहते हैं उसके अंदर आपको सेटिंग करना है। तो सबसे पहले तो हम ये डिटेल डाल देते हैं हमारे प्रोडक्ट की, जैसा ये देख रही है आप। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे मीशो प्राइस पर, तो आप अपनी मीशो प्राइस डाल देंगे, इधर रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस डाल देंगे। लेकिन जब आप MRP डालेंगे तो MRP आपको क्या करना है, 129 रुपीज़ से कम डालना है, मतलब 100 रुपीज़ से डालना है। तो इससे क्या होगा कि 129 रुपीज़ से आप जब MRP कम डालते हैं तो ये मीशो पे सेल नहीं हो सकता है इस प्राइस में, क्योंकि MRP ज़्यादा होना चाहिए, 2 गुना या 3 गुना MRP सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि 100 रुपये डाल रहे हैं MRP और वो मीशो पर तो 100 होगी नहीं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा, इसका शिपिंग चार्जेस अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट प्राइस अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से 100 रुपये से भी कम में दिखेगा। और 100 रुपये से भी कम में दिखेगा तो ये जो है कि वहाँ पर आपका शिपिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा और उस वजह से आपका जो है 99 रुपीज़ वाले डील में आने का इसको चांस मिल जाएगा और आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर जो MRP है उससे चेंज करके आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट पे यहाँ पर फ्री डिलीवरी पे यहाँ पर 70 रुपीज़, 63 रुपीज़ मीशो के अकॉर्डिंग वो 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 70 रुपीज़ लगा सकता है और आपका जो है यहाँ पर प्राइस कम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर 170 रुपीज़ में दिख रहा हो, क्या हो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट इसी प्राइस में यहाँ पर 100 रुपीज़ में दिख रहा हो और उस पर 100 रुपीज़ में दिख रहा हो उस पर 70 रुपीज़ हो, तो 1-2 रुपये और कम हो जाएंगे। उस वजह से यहाँ पर प्राइस का कन्वर्जन ज़्यादा आएगा, उसके ऊपर क्लिक के थ्रू रेट ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके के चांसेस आते हैं आने के, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ये काम ये वर्क में आया कि नहीं, ये ट्रिक काम में आई कि नहीं आई। और कमेंट में और कुछ इशू है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।